हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मयंक और आप देख रहे हैं मयंक की एम बुली। आज जो है मैं बात करूंगा, आज जो मेन टॉपिक है कि जो अमेरिकन बुली ब्रीड है उसके टेम्परामेंट के बारे में मैं बात करूंगा। तो कई लोगों का सवाल रहता है कि ये ब्रीड क्या हम फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो हम इस ब्रीड को रख सकते हैं। देखिए मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल रख सकते हैं, और कई बार मैंने ये चीज जो है वीडियो के अंदर बताई है कि जो अमेरिकन बुली डॉग है, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारी ब्रीड जो है ऑलरेडी रख चुका हूँ बहुत टाइम पहले से। मेरे मतलब पापा मेरे बाबा उस टाइम से जो है डॉग पाले जा रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि अमेरिकन बुली जो है सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रीड है। अगर आप कोई भी बच्चा लाते हैं वो कितना भी सीधा है, मतलब कितना भी सीधा है, किसी को काटता नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन जब भी कोई अनजान आएगा तो वो उस पर भौंकेगा, अटैक नहीं करेगा, भौंकेगा, और सामने वाला बस इतने से ही डर जाता है। तो जो टेम्परामेंट की बात है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है एक दो साल का है या छोटा है और भी है, तो मतलब कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चा लेके आते हैं छोटे से 4-5 महीने तक का भी लेके आते हैं पप्पी, और फिर वो समझेगा सारी चीज़ें कि कौन मेरा है कौन क्या है। और इनका सबसे बढ़िया एक चीज़ मैंने नोटिस की है, खुद एक्सपीरियंस किया है, जैसे मेरे डॉग्स हैं, मैं अगर इन्हें चिकन देता हूँ तो कई बार क्या होता है, आप डॉग के सामने फूड रखते हैं फिर डॉग का फूड जो है आप छू नहीं सकते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव होने लगता है मतलब अपने फूड के लिए। लेकिन अमेरिकन बुली के साथ ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। मेरे पास जो इतने भी डॉग हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं चिकन भी देता हूँ तो मैं उनके मुंह में से भी चिकन निकाल सकता हूँ, मतलब कोई इशू नहीं है कि वो आपसे कुछ कहेंगे, और मेडिसिन वगैरह सारा कुछ ये सब चीज़ों में। तो अमेरिकन बुली का जो एक टेम्परामेंट है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये एक भारी भरकम डॉग है और ये बहुत ज़्यादा समझदार डॉग होते हैं, और इनका जो बेसिकली काम होता है वो होता है गार्डिंग का, तो ये गार्डिंग के पर्पज के लिए ही रखे जाते हैं। और ये बखूबी पहचानते हैं कि कौन मेरा ओनर है, क्या मेरी प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की मुझे रखवाली करनी है, कब मुझे अटैक करना है, कब मुझे अटैक नहीं करना है। और अगर एक दो केस अगर ऐसे मिल भी जाए तो ये अपवाद है कि मतलब एक दो अगर डॉग ऐसे अमेरिकन बुली के आ भी जाए जो बहुत एग्रेसिव है या उनका नेचर ऐसा है, तो ये एक तरीके का अपवाद है, इसे इतना सीरियस नहीं लेना है। वरना नॉर्मली ब्रीड अगर देखा जाए तो मैं तो कहूँगा कि लैब्राडोर से भी ज़्यादा वफादार ब्रीड है अमेरिकन बुली, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए और आपको रखना चाहिए अमेरिकन बुली। एक बार आपको एक्सपीरियंस उसका करना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रीड है मैं कहता हूँ। अगर एक बार आपने अमेरिकन बुली रख लिया तो दोबारा आप कोई और ब्रीड नहीं रखेंगे। तो जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ जो है साझा किया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जिस किसी भाई को अगर बच्चा चाहिए हो तो अभी मेरे पास एक मेल अवेलेबल है, तो मेरे पास फीमेल भी, लेकिन वो जानी है, अभी कोई उसका कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है।